दोस्तों BGMI खेलते समय अगर आपका मोबाइल फोन बहुत ज्यादा लैग कर रहा है और साथ में फोन हैंग भी हो रहा है तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको मोबाइल फोन के कुछ ऐसे खतरनाक सेटिंग बताऊंगा जिसे बस आपको अपने फोन में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के तुरंत बाद दोस्तों आप BGMI खेलने जाएंगे ना आपका फोन थोड़ा सा भी दोस्तों हैंग करेगा ना ही दोस्तों लैग होगा, यानी कि इन सबसे परमानेंटली आपको छुट्टी मिल जाएगी। चाहे आपके फोन के अंदर दोस्तों 2 GB रैम हो, 3 GB रैम हो, 4 GB या फिर 6 GB, कितना भी GB आपके फोन के अंदर रैम क्यों ना हो, आपके फोन के अंदर कभी भी दोस्तों BGMI ना लैग होगा ना आपका फोन कभी हैंग होगा। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो आइए दोस्तों मैं आपको सभी सेटिंग के बारे में बता देता हूं जिसे अगर आप अपने फोन के अंदर अप्लाई कर लेते हैं तो आपके फोन से दोस्तों हैंग प्रॉब्लम साथ में लैग प्रॉब्लम दोनों ही हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और आप एकदम आसानी से स्मूथ तरीके से दोस्तों BGMI को खेल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोन का ये जो सेटिंग है इसे ओपन कर लेना है। अब इस सेटिंग के अंदर आने के बाद यहाँ पर सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक सेटिंग को सर्च करना है, वो है दोस्तों ऑटो स्टार्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे आप यहां पर ऑटो स्टार्ट लिखकर सर्च करेंगे आपको यहां पर ऑटो स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। जो सेटिंग मैं आपको बताऊंगा सभी फोन में मिल जाएगा, ठीक है, चाहे आपके पास 10,000 का फोन हो या फिर 50,000 का, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी फोन के अंदर ये सेटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको इस सेटिंग को यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब इसे ओपन करेंगे तो इसे थोड़ा सा वेट करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे जो एप्लीकेशन है वो ऑटो स्टार्ट में ऑन हो रखे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल फोटोज है, साथ में व्हाट्सएप है और यहां पर बाकी के सभी जो एप्लीकेशन है वो तो बंद है लेकिन यहां पर कुछ एप्लीकेशन यहां पर ऑन है। अब ये ऑटो स्टार्ट यानी कि ऑटोमेटिकली दोस्तों ये एप्लीकेशन कभी भी स्टार्ट हो सकते हैं और आपके प्रोसेसर को यूज कर सकते हैं, रैम को यूज कर सकते हैं, जिससे आपके फोन पर काफी ज्यादा प्रेशर आता है और आपका फोन हैंग करना शुरू कर देता है, गेम खेलते समय लैग होना शुरू कर देता है। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहां पर ये सभी का जो ऑटो स्टार्ट है ना इसे दोस्तों आपको बंद कर देना है। इससे कोई भी आपके फोन पर नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा होगा कि जब भी दोस्तों आप गेम खेलेंगे तो आपका जो गेम है वो एकदम स्मूथ चलेगा, थोड़ा सा भी लैग नहीं होगा, समझे हो। तो बिंदास होकर आपको यहां पर बंद कर देना है, ये पहला सेटिंग आपको करना है, जिसके बाद आपको यहां से बैक आ जाना है मेन सेटिंग के अंदर। अब मेन सेटिंग के अंदर आने के बाद दूसरा जो सेटिंग आपको करना है वो आपको देखने को मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग के अंदर। इसमें दोस्तों दिया हुआ है डेवलपर ऑप्शन, आप देख सकते हैं। अगर आपके फोन में ये ऑन नहीं है तो आप अबाउट फोन में जाके बिल्ड नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे तो भाई डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग को करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ वो सेटिंग कौन सा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए वो सेटिंग यहाँ पर मिल चुका है, लॉगर बफर साइज, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं ये सेटिंग सभी के फोन में होता है और इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये 256 KB पर सेट मिलेगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं डिफॉल्ट सभी फोन के अंदर ये 256 KB पर सेट होता है। कई कई फोन में ये कम पर भी होता है अगर आपके पास एक ज्यादा ही लो एंड डिवाइस है, तो आपको यहां पर इसे क्या करना है 4 MB पर सेट करना है, ठीक है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए इसे आपको 4 MB पर सेट करना है। अगर इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं मिलता है तो जाके आपको इसे 16 MB पर सेट करना है, यानी कि दोस्तों 4 MB या फिर 16 MB ये दो में से आप एक पर सेट करना, इसे कभी भी 256 KB पर सेट करके नहीं रखना है। इससे जो गेम है वो बिल्कुल भी लैग नहीं होगा, एक प्रकार से जो आपका गेम है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगा, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ पर कर लेना है, दूसरे नंबर का सेटिंग हो गया, जिसके बाद यहीं पर आपको नीचे आना है और यहाँ पर दिया हुआ है ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस। ये जो सेटिंग बता रहा हूँ ये दोस्तों ग्राफिक्स के लिए, ठीक है, यानी कि अगर आपके फोन में अच्छी ग्राफिक्स नहीं आती है तो ऐसे में आपको ग्राफिक्स ड्राइवर प्रेफरेंस के अंदर आना है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा बैटल ग्राउंड इंडिया, जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीसरे नंबर का सेटिंग मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये जो तीसरे नंबर का सेटिंग है इसे अगर आप यहाँ पर कर लेते हैं तो जो आपके गेम का ग्राफिक्स है ना वो भाई एकदम हाई क्वालिटी का हो जाएगा, जैसे महंगे महंगे फोन में होता है ना वैसा सेम क्वालिटी आपके लो एंड डिवाइस के अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है,
आपको अपने गेम को सिलेक्ट करना है, गेम के ऊपर क्लिक करना है और ये दोस्तों डिफॉल्ट पर सेट होगा। सभी यहाँ पर जितने भी दिए हुए हैं ना, सभी डिफॉल्ट पर ही सेट होते हैं। तो इसे दोस्तों आपको सेट करना है सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर पर। सिस्टम पर सेट करने का मतलब ये है कि आपके फोन का पूरा सिस्टम दोस्तों ग्राफिक्स में लग जाएगा और इतनी कमाल की क्वालिटी आएगी ना, देख करके दोस्तों आप चौंक जाएंगे, समझ गए। तो ये तीसरे नंबर का सेटिंग आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है, जिसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। अब यहाँ पर मैं आपको फोर्थ नंबर का सेटिंग बताने जा रहा हूँ, जो कि होने वाला है एक लो एंड डिवाइस के लिए जिसके फ़ोन में कम GB का रैम है। जैसे कि अगर आपके फ़ोन में 2 GB, 3 GB, 4 GB रैम है, तो ऐसे में दोस्तों आपको ये फोर्थ नंबर वाला सेटिंग करना है। वो सेटिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ यहाँ पर आते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर है। तो यहाँ पर वैसे बहुत सारे सेटिंग है, तो आपको सही से सर्च कर लेना है जो जो सेटिंग मैं बताऊंगा। आप यहाँ पर देख लीजिए फोर्स 4X MSAA। वैसे इस सेटिंग के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है, लेकिन दोस्तों ये सेटिंग इतनी कमाल की है कि आज भी मुझे इसके बारे में आपको बताना पड़ रहा है। ये सेटिंग ऑन करने से दोस्तों आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो कई गुना ज़्यादा जो है बढ़ जाता है, जिससे आपका फ़ोन ना हैंग करेगा गेम खेलते समय, ना कोई हैवी एप्लीकेशन इस्तेमाल करते समय हैंग होगा, ना मान लीजिए गेम खेलते समय लैग होगा, समझ लो। एकदम स्मूथ गेमिंग के लिए कम GB का जब फ़ोन के अंदर रैम दिया गया है, तो इसे दोस्तों आपको ऑन कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में 6 GB, 8 GB रैम है, तो ऐसे में आप इसे ऑन नहीं करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके फ़ोन में 2 GB, 3 GB, 4 GB रैम है, तो ऐसे में आपको इस सेटिंग को यहाँ से ऑन कर लेना है। तो ये चार सेटिंग आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको यहाँ से पूरा बैक करके मेन सेटिंग के अंदर आना है। अब दोस्तों मैं आपको पांचवें नंबर का ट्रिक बताने जा रहा हूँ, जिसे जैसे ही आप अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करेंगे, आप खुद देखेंगे दोस्तों आपके फ़ोन से जो हैंग प्रॉब्लम है या फिर लैग प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पांचवा ट्रिक है, ये दोस्तों आपको नीचे की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा स्पेशल फीचर के अंदर। कई कई फ़ोन में जो है डायरेक्टली ये आपको मिल जाता है गेम टर्बो या फिर गेमिंग मोड, या फिर कई कई फ़ोन में स्पेशल फीचर नाम से होता है, फिर उसके अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। तो आपको कुल मिलाकर गेम टर्बो यानी कि गेमिंग मोड को आपको यहां से ओपन कर लेना है, ठीक है। गेमिंग मोड को ओपन करेंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो यहां पर आपको सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करना है। अब सेटिंग में आने के बाद आपको सबसे पहले परफॉर्मेंस के ऊपर क्लिक कर लेना है और यहां से दोस्तों परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन दिया हुआ है, इसे ऑन कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहां से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन का जो परफॉर्मेंस है वो भाई एकदम डबल हो जाता है, समझ लो। तो इसे सबसे पहले आपको यहाँ से ऑन करना है। उसके ऊपर दिया है परफॉर्मेंस मोड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये तीन सेटिंग दिया हुआ है दोस्तों, ये तीनों सेटिंग को आपको इस प्रकार से ऑन कर देना है, जैसा कि आप यहां पर देख लीजिए। बस इतना सेटिंग दोस्तों आपको यहां पर करना है, उसके बाद आप पूरा का पूरा यहां से बैक आ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सेटिंग करने के बाद अब दोस्तों आप BGMI खेलने जाओगे ना, थोड़ा सा भी दोस्तों आपका BGMI लैग नहीं होगा, ना आपका फोन हैंग होगा। चलिए मैं आपको BGMI ओपन करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख लीजिए, हमने जो है सभी सेटिंग करने के बाद BGMI को ओपन कर लिया है और BGMI हमारे फोन के अंदर कितना स्मूथ चल रहा है और ग्राफिक्स वगैरह आप देख सकते हैं कितना कमाल का क्वालिटी आ रहा है हमारे एक लो एंड डिवाइस के अंदर। आप खुद ही देख सकते हैं ना कितना कमाल का आ रहा है ग्राफिक्स, देख लीजिए दोस्तों। साथ में ये सभी सेटिंग आप भी अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का दोस्तों एकदम जीरो लैग के साथ आपका जो BGMI है वो आपके फ़ोन के अंदर चलने वाला है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को यार लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।